बार आप भी प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच, आंखें लाल आंखें बताते रहते हैं, क्या ये ठीक है आज के दिन जिक्र करना या भारत को एकजुट दिखना चाहिए? देखिए, गोगोई जी ने जो कहा वो तो उनके प्रवक्ता बता देंगे आपके सामने, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा कि डिसएंगेजमेंट कहाँ होता है या एंगेजमेंट। पूरा देश, पूरा विदेश सबको पता है कि चीन हमारी बाउंड्री के अंदर घुस चुका है, आ गया है सब तरफ से, वहां पर रोड बना रहा है, गांव बना रहा है, सब चालू है। मगर जैसा आपने सही कहा कि 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का वर्ड नहीं निकलता। अब आज आप देखिए, चीन का जो मैप आया है, चाइनीज स्टेट मीडियाज मैप SCO का, उसमें देखेंगे ना आप अगर सुधांशु जी, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। इंडिया को तो पहले कजाकिस्तान से छोटा बता दिया है और उसके बाद कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ही गायब कर दिए। ये मैप है। तो चीन अगर इस हरकत के ऊपर आया है तो प्रधानमंत्री वहां गए, क्या बात करेंगे चीन के साथ, करेंगे नहीं करेंगे बात सुधांशु जी? और आप लोगों को यही दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता कि बुलडोजर को कभी उस तरफ का भी रुख कराया जाए जहां पे अपने बंकर बन रहे हैं, रस्ते बन रहे हैं। सिर्फ मदरसों का ही रुख दिखता है आप लोगों को, क्या वहीं बुलडोजर को ले जाके चढ़ा देंगे? नहीं, वहीं आतंकवादी है। नहीं नहीं, आपको तो मैंने सुबह में भी बोला हूं, RSS के आपके ही 25 साल का जो विचारक था उसने एफिडेविट डाला अंजना जी, मुझे नहीं लिखा है, आपको नहीं लिखा है, कोर्ट में डाला एफिडेविट, उसमें लिखा है कि RSS की शाखाओं में बम बनाते हैं, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है और जितने देश में बम ब्लास्ट हुए RSS में पहुंच गए। सुनिए, अरे नहीं बताना पड़ेगा इनको, तो वहीं लाना पड़ेगा, इनको घुमाने की आदत है ना। मुझे भी स्पीड बोलिंग डालने का बहुत शौक है, मैं भी डालता हूं हमेशा। सुनिए, बुलडोजर चलवा दिए जाइए, पीले वाले जो सरकार चलाएंगे। नहीं 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 चलाएंगे बुलडोजर, सिर्फ इनको एक ही जगह दिखता है, सफेद कुर्ता इजार, सफेद टोपी दिखी, बस बोले यही लोग है, इनके वहीं बुलडोजर चलाओ, बाकी दिखेगा इनको भगवा रंग के, वहां तो कुछ नहीं करेंगे। वहां पर वो खुद जब बोल रहा है इनका आदमी, मगर वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। चीन घुस गया है, वहां बुलडोजर नहीं जाता। क्यों? डीजल कम है, पेट्रोल कम है, क्यों बुलडोजर वहां नहीं भेजते अरुणाचल प्रदेश में? क्या कमी है? अरे बताओ, मैप से गायब कर दिया मेरे देश, अरे कश्मीर को गायब कर दिया, अरुणाचल प्रदेश को गायब कर दिया, तो प्रधानमंत्री सवाल करेंगे नहीं करेंगे? सवाल कराऊंगा इनसे अंजना जी। लेकिन आज देखिए कैसे ये समरकंद से मदरसे पे आ गए। नहीं नहीं, सवाल कैसा करेंगे आप? करेंगे नहीं, प्रधानमंत्री चीन से सवाल करेंगे कि नहीं? और क्या आपने मेरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल को कम क्यों कर दिया? देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दल का नेता अगर उसको लाल आंखें दिखती है, प्रधानमंत्री का कद नहीं दिखता है, भारत का कद नहीं दिखता है, तो ये बड़े शर्म की बात है। पहली बात, क्योंकि वहां पे देश का प्रधानमंत्री देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, चीन के पास जाने की बात कर रहे हैं। इतिहास में सबको ही जानता है कि 80,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को जमीन किसने दी, और आज भी वो जमीन लेने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? POK कैसे चला गया, सेना कैसे रुक गई, आज POK क्यों बना हुआ, ये भी देश के आप लोग सबको ही जानते हैं, ये किसके राज में हुआ। आज वो सब बातें याद करने का समय नहीं है। आज सबसे बड़ी बात आप लोगों ने इंटरव्यू में देखी होगी, जब प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे युद्ध से किसी का भला नहीं होता, वो पुतिन को ही कह रहे थे। आज तक किसी भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत हुई है कि चीन को, अमेरिका को या रशिया को इस तरह से बोल दे? और जरूर उसके ना चाहते हुए भी हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, ये होती है कूटनीति। आज विदेश नीति हमारी सर्वोच्च स्तर पे है, और मुझे लगता है कि घटिया राजनीति को इसमें घुसना नहीं चाहिए, विदेश नीति रहे। जल्दी से सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने आज वहां पर क्या क्या, उसके बाद आप दोनों के पास आ रहे हैं। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है, और उसमें भारत और रशिया के बायोलेटरल संबंध भी बातें हुई है, और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं, और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को, फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे, और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में, इस संकट के काल में, हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि
आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अतूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए, हम लगातार हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे, विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी। खुलकर उन्होंने कहा कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। क्या भारत एकदम स्पष्ट तरीके से, क्योंकि ये संदेश आज अमेरिका की भी नजर होगी, पुतिन के सामने कहा है पीएम ने कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। देखिए, पहले तो मैं गंभीर बात करना चाहता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वो स्थिति है जिन्होंने पुतिन से भी बात की है और जेलेंस्की से भी बात की है। बाकी दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर देश दोनों को बात करके कन्विंस करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका बात करेगा तो यूक्रेन का राष्ट्रपति बात करेगा, पुतिन उस पर ध्यान नहीं देंगे। चाइना बात करेगा तो पुतिन ध्यान देंगे, यूक्रेन ध्यान नहीं देगा। और इसीलिए हम अपने 20,000 छात्रों को निकालने में सफल हुए। दोनों सेनाओं ने हमारे लोगों को जाने में मदद की। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाओं ने पैसेज दिया हो। सिर्फ एक छात्र की दुखद मृत्यु हुई, वो जब अपना सामान लेने गया था और बमबारी में उसकी डेथ हो गई, अन्यथा हम सबको निकालने में सफल हो गए। और उससे बड़ी बात, आप लोगों ने देखा रूस के राष्ट्रपति की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि मैं रूस और यूक्रेन दोनों के देशों को धन्यवाद देता हूं। साहब, रूस की उपस्थिति में यूक्रेन को भी धन्यवाद दिया और उसके उपरांत भी रूस ने उस बात को ईमानदारी से स्वीकार किया। ये होती है डिप्लोमेसी।